हमारे युवा जो संविधानिक परिभाषा से लिंग न्याय की बात करते हैं, जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए लड़कियों के साथ बराबर की भागीदारी करते हैं, जो घरों के अंदर अपनी मम्मी की, अपनी बहनों की जगह समझते हैं, उनकी एक डेमोक्रेटिक एजेंसी समझते हैं, इस तरह के चित्र आज हमारे सामने हैं। जिंदाबाद साथी, मैं दीपा पवार, एंटीकास्ट फेमिनिस्ट एंड एंटी डीएनटी एक्टिविस्ट हूँ। मैं राइटर हूँ और रिसर्च भी करती हूँ। मैं खुद नोमैडिक ट्राइब गाड़िया लोहार घिसाड़ी इस समुदाय से आती हूँ। गए 20 सालों से मैं सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया से नजदीकी के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये काम करते हुए मेरे काम का मुख्य विषय जो है वो इंटरसेक्शनलिटी और मार्जिनलाइजेशन से आते हुए युवा युवतियाँ, लैंगिक अल्पसंख्यक जो उनके गांवों के कस्बों के विकास में उनके खुद के नेतृत्व के साथ सहभाग और बराबर की भागीदारी करें। ये काम करते हुए कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण मुझे प्रेरित करते हैं, जो जेंडर जस्टिस, पार्टिसिपेशन, एक्सप्रेशन, जिनकी नींव भारतीय संविधान और मानवीय मूल्यों से आते हुए मुझे ताकत देती है। दीपा आम्हाला सांगते की माणसांना जोडून ठेवण्याचं काम हे आपलं आहे। तुम्ही बघतच असाल की पाडू चला रे भिंत ही मध आडे येणारी, या मना मनातून बांध या एक वाट जाणारी। तर तसा पद्धतीचं जे आहे, जसं ते आम्हाला वाक्य खूप जवळचं वाटतं, माणसाला माणूस म्हणून बघायचं आणि त्याला त्या पद्धतीने त्याचे राईट्स त्यांना सांगायचे, तर हे खूप बेस्ट काम आहे। कम्युनिटी में जब वो एज अ ट्रेनर जाती है, कम्युनिटी में जब वो एज अ लीडर जाती है, तो वो लीडरशिप स्पेसेस जो आज तक सिर्फ मर्दों ने ऑक्यूपाई किया हो या प्रिविलेज कम्युनिटी से ऑक्यूपाई हुआ हो, वहाँ जब वो दीपा को देखते हैं तो वहाँ पर लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं। मैंने ये कई बार देखा है। और जैसे मैंने कहा कि वो क्योंकि बहुत वंचित से भी वंचित समुदाय से आती है, तो वो आदिवासी हो, वो नोमैडिक हो, वो ट्रांस वुमेन हो, ये सारे समुदायों में दीपा को वो अपना करके देखते हैं। तो मुझे लगता है कि खुद उस कम्युनिटी से होने का जो एक इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेरा विजन बहुत क्लियर था कि किनके साथ काम करना है, क्यों काम करना है, कौन से दृष्टिकोण से काम करना है। वो मेरा काफ़ी तय था कि ऐसे समुदायों के साथ काम करना है जो हमारे नज़रों को आम तौर पे दिखाई देते हैं लेकिन बहुत आसानी के साथ नज़रअंदाज हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ हो, लैंगिक आरोग्य के विषय हो, जहाँ पे हम शरीर साक्षरता की बात करें, काम की जगह सुरक्षित होने की बात करें, युवाओं की शैक्षणिक और सार्वजनिक जगह जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लीडरशिप लेते हैं, वो जगह सुरक्षित होने की बात करें, ऐसे कई सारे जहाँ पे विषय है जो नेतृत्व के अंग से जुड़ते हैं, वहाँ पे कई सारे एक बेहतरीन रिजल्ट भी हमने पाए हैं। तो चेंज एक्सेप्ट करना और चेंज लाना, ये अनुभूति का मोटो है और उसके ऊपर हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और अनुभूति के साथ जुड़ना हमें बहुत पसंद है क्योंकि वो युवाओं को एक अलग मंच देते हैं, एक अलग उन्नति पे उन्हें देखना चाहते हैं और उनके साथ हमें जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जमीनी नेतृत्व जितने बड़ी मात्रा में सामने आएंगे, फ्रंट में आएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन होगा। टोकनिस्ट लीडरशिप के अलावा वो एक्चुअल लीडरशिप में जब परफॉर्म करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी मात्रा में लोगों के सही मायने के जो छुपे हुए सवाल है, जो ज्वलन सवाल है, जो संवेदनशील सवाल है, उनको आवाज़ मिलने का काम जो है वो हो सकता है।